गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन प्रीवियस वीडियो आपने देखा कि कैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं रिगार्डिंग द परचेज, सेल, रिगार्डिंग द पेमेंट, रिगार्डिंग द कंपाउंड एंट्रीज, रिगार्डिंग द जो आपकी एंट्रीज थी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और इन चीजों से रिलेटेड. नाउ वी स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज. व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज? Adjustment entries are some of special entries which are passed after or mid of financial terms. यानी ये adjustment entry को होती है जो हमें mid में अपने accounting treatment में include करनी होती है और उनको हम pass करते हैं जब हमको ये बाद में ही पता चलता है. इन adjustment entries को identify करना अपने और फिर उनको अपने accounting records में merge करना ये बहुत important होता है. Without these adjustment entries, we cannot find our true and exact profit and loss. तो इसमें कई सारी हमारी होती हैं adjustment entries, जैसे outstanding expenses. ये हमारी है adjustment entry. Next है prepaid expenses. ये भी हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट है. नेक्स्ट है एक्रूड इनकम. ये भी हमारी इसमें ही काउंट की जाती है. नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम. अनअर्न्ड इनकम आता है. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन. ये भी इसी में का पार्ट माना जाएगा. इसके अलावा नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग. तो ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है जिनको हम पास करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग मींस नॉट पेड, मींस एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. मींस सैलरी ऑफ मंथ जुलाई इज स्टिल नॉट पेड इन अगस्त. यानी अगस्त तक हमने अपनी जुलाई मंथ की सैलरी 5000 रुपीज पे नहीं की है. तो ये हमारे लिए सैलरी क्या हो जाएगी? ये सैलरी हो जाएगी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी. मींस दैट पोर्शन ऑफ सैलरी विच इज स्टिल ड्यू, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो देखिए इसमें हम एंट्री क्या पास करते हैं, जो एंट्री होती है वो एंट्री हम पास करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. जो एक्सपेंस है वो डेबिट में आएगा. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो रियल एक्सपेंस है क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड. तो एक्सपेंस हमारा डेबिट में आएगा और वही एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नेम से क्रेडिट में भी आएगा. तो इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे? एक्सपेंस क्या है? सैलरी. तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये अमाउंट हो जाएगा 5000 रुपीज. जो ये अमाउंट है ये आपकी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की. मींस सैलरी ऑफ 5000 स्टिल ड्यू एंड नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब सपोज कीजिए एग्जांपल कुछ आपका डिफरेंट है कि आपने सैलरी पे तो की पर कंप्लीट सैलरी पे नहीं की. मींस कुछ पोर्शन उस सैलरी का अभी ड्यू है. जैसे सैलरी पेड 1000 एंड स्टिल ड्यू इज 500. यानी आपने सैलरी 1000 रुपीज पे कर दी और अभी भी 500 रुपीज की सैलरी पे करना बाकी है. तो दैट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस. तो देखिए उस केस में जो एक्सपेंस है वो आपका डेबिट में आएगा. मीन्स सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या बताया था, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मीन्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी जितनी सैलरी अभी पे करना बाकी है और जो आपने पे कर दी वो आएगी टू कैश या टू बैंक अकाउंट के नेम से. देखिए 1000 रुपीज आपने सैलरी पे कर दी, 500 रुपीज अभी स्टिल आपकी बाकी है, तो आपको सैलरी एक्सेप्टली पे कितनी करनी थी? 1500 रुपीज. तो यानी 1500 रुपीज ये सैलरी वाले कॉलम में आएगा. जितना अमाउंट अभी आपका बाकी है यानी 500 रुपीज,
वो आउटस्टैंडिंग में आएगा और जितना आप पे कर चुके हो मीन्स कैश जितना जा चुका है 1000 रुपीज वो आपका अमाउंट आएगा कैश और बैंक में। तो ये कंसेप्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको बताया प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड मींस पेमेंट प्रायर द ड्यू टाइम, यानी जो आपने एक्सपेंसेस अपने ड्यू टाइम से पहले ही पे कर दिए हैं वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। मीन्स अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस पे हो जाते हैं उनको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। एंट्री क्या इसकी पास होती है? एंट्री इसकी पास होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंस है वो आपका प्रीपेड लगाकर डेबिट में हो जाएगा क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए असेट्स है, अकॉर्डिंग टू रूल मॉडर्न रूल इंक्रीज इन असेट्स शुड बी डेबिटेड। प्रीपेड एक्सपेंस इज डेबिटेड टू एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या पास होनी चाहिए? आपका क्या एग्जाम्पल है? सपोज कीजिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि सैलरी पे इन एडवांस 5000, आपने एडवांस सैलरी 5000 रुपीज पे कर दी नेक्स्ट मंथ की, तो उस केस में क्या एंट्री पास करोगे आप? प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा है? सैलरी। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड सैलरी डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू एक्सपेंस कौन सा है? सैलरी। और यहां पे अमाउंट डाल देंगे आप 5000 रुपीज, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी 5000 रुपीज। सपोज अब इसमें एक और कंसेप्ट है, उसमें मैं आप कंसेप्ट बता रहा हूं। सेकंड कंसेप्ट में एक्चुअल आपने सैलरी पे तो कर दी, मीन्स आपके पास से तो कैश गया, तो आप यहां पर वर्ड टू कैश भी ऐड कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, उस केस में एंट्री क्या पास हो जाएगी? उस केस में एंट्री पास होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो जाएगा 5000। तो दोनों ही एंट्री सही है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए एग्जैक्ट माने जाएंगे। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री इज ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, व्हाट इज एक्रूड इनकम? द इनकम विच अर्न बट स्टिल नॉट रिसीव इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो आप अर्न तो कर चुके हैं लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। मींस आपने उस इनकम के अगेंस्ट में वर्क तो कर लिया है लेकिन उस वर्क का रेमुनरेशन या सैलरी आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, दैट इनकम इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो जानी चाहिए थी पर आपको रिसीव नहीं हो पाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम कहेंगे। ये आपके लिए असेट्स नेचर की होती है, तो असेट्स इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन असेट्स डेबिटेड, वो आपकी डेबिट में आएगी। तो एंट्री आप क्या पास करोगे? इसकी एंट्री होती है एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये आपकी एंट्री आप इसमें पास करोगे, यानी जो भी एक्रूड इनकम है वो डेबिट में आएगी और जो इनकम से रिलेटेड है वो आपका क्रेडिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव 1000, यानी ऐसा कमीशन जो आपको रिसीव हो जाना चाहिए था पर वो आपको रिसीव नहीं हो पाया है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम। एंट्री क्या है? एक्रूड इनकम। इनकम कौन सी है? कमीशन। तो एंट्री क्या पास होगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू, और इनकम कौन सी है? कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, और जितना भी अमाउंट है 1000 रुपीज, ये आप एंट्री पास कर रहे हैं। मीन्स एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास होगी। तो ये मैंने आपको थर्ड तीन कंसेप्ट बताए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम।
तो नेक्स्ट आपके तीन कंसेप्ट हैं वो आप पहले इनके क्विक रिकैप वीडियो के बाद मैं आपको उसे कंटिन्यू करूंगा। सो द फर्स्ट इन वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द एडजस्टमेंट एंट्रीज। You have learned that adjustment entries are those entries which have to be adjusted in our accounting process, and like we have not paid our salary, depreciation, these are the adjustment entries. So the first adjustment entry is outstanding expenses. What is outstanding expenses? Outstanding expenses are those expenses which have to be paid by the firm, but due to various reason, firm is unable to pay these expenses. Means, हमने कोई expenses pay करना था, लेकिन हम किसी reason की वजह से वो expenses अभी तक pay नहीं कर पाए हैं। जैसे अभी अगस्त month की हमने अगस्त चल रहा है, लेकिन हमने जुलाई month की ही wages या salary अपने जो members हैं, उनको pay नहीं की है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी outstanding expense. Outstanding salary means expenses due but not paid due to any reason is called outstanding expenses. इनको हम outstanding expense कहेंगे। Example दे रखा है इसमें कि wages still not paid of the previous month ₹5,000 means हमने previous month की wages अभी तक ₹5,000 अपनी labor को pay नहीं की है। यानी अगस्त चल रहा है और हमने जुलाई मंथ की वेजेस अपने लेबर को पे नहीं की, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस होगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर हम इसको ट्रीटमेंट करें तो इसकी एंट्री होती है कि जो एक्सपेंस हमें पे करना था वो डेबिट में आता है, यानी एक्सपेंसेस डेबिट, और टू में आता है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग की केस में दिखाएंगे। तो यानी ये एंट्री आप पास करेंगे, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹5,000 मीन्स वेजेस डेबिट में आई क्योंकि एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट में आएगी। यही अगर हमारी सैलरी होती तो मीन्स हम एंट्री पास करते देन सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर यही हमारा रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होता। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? वर्ड प्रीपेड दैट मींस द पेड इन एडवांस। सो प्रीपेड एक्सपेंस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच पेड इन एडवांस बाय द फर्म। यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनको फर्म ने टाइम से पहले ही पे कर दिया है और ड्यू डेट से पहले ही, तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बाय द फर्म इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल लीजिए, सैलरी पेड फॉर नेक्स्ट मंथ ₹2,000 मीन्स अगस्त चल रहा है और हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी सेप्टेंबर मंथ की ही पे कर दी। मीन्स सेप्टेंबर की सैलरी हमने अगस्त में पे कर दी, तो ये हमारी प्रीपेड सैलरी हो गई। और प्रीपेड सैलरी हमारे लिए क्या होती है? असेट्स होती है। असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट में आनी चाहिए, पर सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट में आते हैं। तो इसके दो कंसेप्ट हैं, एक तो कैश का और एक नॉन कैश का। तो अगर हम नॉन कैश के अकॉर्डिंग चलें तो एंट्री पास करते हैं हम एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। यानी जो एक्सपेंस है वो क्रेडिट में आएगा और प्रीपेड जो हमने कर दिया वो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट में आएगी। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन कुछ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रीपेड हमने कर तो दिया लेकिन हमारे पास से कैश तो गया। मीन्स एट ए टाइम कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट वॉट गोज आउट इज रिकॉर्डेड इट क्रेडिट साइड। सो दूसरी एंट्री हम ये पास कर सकते हैं कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। दोनों ही कंसेप्ट सही हैं, ये नॉन कैश वाला है, ये कैश वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो एंट्री सही लगे वो आप एंट्री यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? द इनकम विच हैव टू बी रिसीव बाय द फर्म बट नॉट रिसीव ड्यू टू एनी रीजन। यानी ऐसी कोई इनकम जो फर्म को रिसीव हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो अभी तक रिसीव नहीं हो पाई है। यानी फर्म को इनकम ऐसी जो रिसीव होनी थी पर नहीं हुई है, जैसे सपोज हमारा बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होनी थी पर अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है, तो वो हमारे लिए एक्रूड इनकम होगी।
क्या होगा, द इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम. एग्जाम्पल लीजिए, इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट रुपीज 1000, यानी बैंक में हमारा कोई अमाउंट डिपॉजिट है उस पर 1000 की रुपीज की जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुकी है पर हमको वो रिसीव नहीं हुई है, तो उसकी एंट्री हम जो पास करते हैं वो क्या करते हैं, उसकी एंट्री होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, यानी एक्रूड जो इनकम होगी वो हम उसको डेबिट में करेंगे और टू में लिखते हैं इनकम, जो हमारी इनकम है उसको हम टू में लिखते हैं. तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, यहाँ पे लिखी हुई है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000. यही कमीशन होता तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन करते, रेंट होता तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट करते, इंटरेस्ट है तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हमने एंट्री पास की है. तो फर्दर आप इनके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू करेंगे. सो आपने वीडियोस में देखा कि कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम प्रीपेड एक्सपेंस को ट्रीट करेंगे, कैसे हम एक्रूड इनकम को ट्रीट करेंगे. नाउ द टर्म इज ऑफ अनअर्न्ड इनकम. अनअर्न्ड इनकम, व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम? अनअर्न्ड इनकम मींस द इनकम विच रिसीव इन एडवांस, और ऐसी इनकम जो आपको टाइम से पहले ही आपको रिसीव हो चुकी है, विच रिसीव बिफोर द ड्यू टाइम, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम. तो उसको आप क्या लिखेंगे, ट्री इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो चुकी है उसे आप क्या कहेंगे, अनअर्न्ड इनकम कहेंगे. अनअर्न्ड इनकम इज ए एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड, मीन्स क्रेडिट साइड में इसको आप रिकॉर्ड करेंगे अनअर्न्ड इनकम को. तो एंट्रीज की क्या आप पास करेंगे, एंट्रीज की पास होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, ये इसकी एंट्री आप पास करते हैं. एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपीज, यानी आपको 500 रुपीज का कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग चले अगर आप एंट्री को, तो इनकम क्या है, कमीशन, और एक्रूड अनअर्न्ड इनकम क्या है, अनअर्न्ड कमीशन. तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, कमीशन डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 500 रुपीज. तो ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल होगा, ये आपका अनअर्न्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के बारे में आप काफी जानते हैं, मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स इसके दिए हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू द मे बी इट मे बी फॉर पासेस ऑफ टाइम, इट मे बी ऑफ एक्सीडेंट एंड एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपकी फिक्स असेट्स की वैल्यू में कोई रिडक्शन हो जाता है, उसकी प्राइस में कमी आ जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है. ये क्वेश्चन कई बार आते हैं इसके आपके बुक में कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन या व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन 1-1 मार्क्स में, तो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं. और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कई एंट्रीज आपके 11th में 12th में 11th में कई सारे चैप्टर्स में आपको इंक्लूड करना होगा. जो इसकी एंट्री होती है वो क्या होती है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. डेप्रिसिएशन क्योंकि एक लॉस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड. और टू असेट्स, जिस असेट्स पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होगी, डिक्रीज इन द असेट शुड बी क्रेडिटेड. तो डेप्रिसिएशन टू असेट्स एंट्री हो जाएगी. एग्जाम्पल लीजिए आप इसका कि डेप्रिशिएट मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एट 10%, यानी मशीनरी की कॉस्ट जिसकी 50,000 रुपीज है उसे आपको 10% रिड्यूस करना है. तो देखिए 50,000 की मशीनरी का अगर आप 10% निकालेंगे कितना आएगा, 5,000 रुपीज आएगा, यानी उस मशीनरी की प्राइस को आप 5,000 रुपीज कम कर रहे हैं. तो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिट मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और असेट्स कौन सी कम हो रही है, मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट.
ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5000 जो आपने कैलकुलेट किया 5000 रुपीज, इस वैल्यू को आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपका डेप्रिसिएशन था। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, उसे आप देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है कि जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर फर्म को इंटरेस्ट पे करनी होती है ओनर को। तो ये तरीके से ये एक्सपेंस है फर्म के लिए जो उसकी कैपिटल लगाई हुई कैपिटल पर उसको अर्न हो रहा है। जो इसकी एंट्री होती है वो क्या होती है? एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वो डेबिट में आएगा और ये उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो देखिए एग्जांपल इसका जैसे दे रखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज एट 10%। किसी ओनर की कैपिटल है 10,000 रुपीज, उस पर 10% की हमको इंटरेस्ट चार्ज करनी है। तो देखिए 10,000 रुपीज की कैपिटल पर 10% की रेट से कितनी इंटरेस्ट हो जाएगी? 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट चार्ज करनी है। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। तो यही आप एंट्री पास कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहां पे अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है 1,000 रुपीज, ये आप इसमें एड कर। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। लास्ट जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है? कि जो पर्सनल यूज के लिए ओनर ने अमाउंट या कैश या गुड्स विथड्रॉ किया है फर्म से, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। और उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी फर्म की तरफ से उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहेंगे। फर्म के लिए इट इज एन इनकम, ये फर्म के लिए इनकम है, तो ये किस साइड आएगी? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। पर ड्रॉइंग फर्म के लिए लॉस होता है और ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अगर आपको एंट्री इसकी करनी है तो ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। सपोज कीजिए एग्जांपल अगर मैं आपको दूं चार्ज 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 500 रुपए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है, तो जनरल एंट्री सेम आप यही चार्ज करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और यहां पे अमाउंट आ जाएगा आपका 500 रुपीज। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इस वीडियो में आपके देखेगा अनअर्न इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनका ट्रीटमेंट आएगा जो आप, मैं आपको इस वीडियो के बाद जो पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी वो उसमें आप क्विक रिव्यू के फॉर्म में देख सकते हैं। So the next concept is unearned income. What is unearned income? Unearned income means the income which is not earned but received. यानी ऐसी income जो earn नहीं हुई है लेकिन आपको receive हो चुकी है. Means income received in advance. It is the just opposite of prepaid expenses. Prepaid expenses are those expenses which paid in advance, and this is the income which received in advance. So the term is unearned income, that means income which received in advance is called unearned income. Suppose कीजिए कि आपको आप कोई person है और आपको कोई commission advance में मिल गया, जो आपने work किया नहीं उसका advance में आपको commission receive हो गया, तो वो आपके लिए unearned income होगी, ऐसी income जो अभी आपने earn नहीं की है पर आपको receive हो गई है। एग्जाम्पल दे रखा है रेंट रिसीव फॉर द नेक्स्ट मंथ रुपीज 1500, यानी अगले महीने का ही रेंट आपको एडवांस में मिल गया है आपके जो किराएदार हैं उनसे, तो वो चीज आपके लिए अनअर्न कहलाएगी। तो उसके लिए जो आपकी एंट्री पास होती है वो एंट्री हम पास करते हैं, इनकम जो है वो डेबिट में लिखते हैं,
इनकम डेबिट और टू यहाँ लिखते हैं अनअर्न, यानी जो अनअर्न है वो आप उसको यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट 1500 रुपीज। अगर यही आपका कमीशन होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न कमीशन या एडवांस कमीशन, इंटरेस्ट होती तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट आपका होता, ये अनअर्न का कंसेप्ट है। सो द नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज डेप्रिसिएशन। ये एक नोन फैक्ट है, आप पढ़ चुके हैं कि डिक्रीमेंट और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स असेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो वॉट इज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स असेट ड्यू टू इट्स यूजेस और पासेस ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मीन्स आपके पास कोई असेट्स है और वो असेट्स की वैल्यू आपकी कम हो रही है। जैसे आपने एक बाइक परचेज की 50,000 रुपीज की और 50,000 रुपीज की इस बाइक को आपने 2 ईयर्स यूज किया, तो आफ्टर 2 ईयर्स कैन यू रिसीव टोटल 50,000 रुपीज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उस केस में फिर आपको क्या रिसीव होगा, कम अमाउंट रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एनी असेट्स, तो आप आंसर कर सकते हैं कि पासेज ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस यूज और एनी ऑब्सोलेशन, एनी टूट फूट, एक्सीडेंट, ये कुछ रीजंस होते हैं जो डेप्रिसिएशन के अप्लाई किए जाते हैं। तो आपको एग्जांपल दे रखा है, डेप्रिशिएट फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख बाय 10%, यानी 1 लाख रुपीज के फर्नीचर को 10% कम करना है। तो देखिए फर्नीचर कितने का है, 1 लाख रुपीज का, और 1 लाख रुपीज के फर्नीचर को कितना आपको कम करना है, 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपीज। ठीक है, सॉरी मैं ऊपर गलत पड़ गया, ये 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज की जो वैल्यू है वो आप अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज इसकी वैल्यू आएगी। तो डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल लॉसेस आर डेबिट, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर रियल में आता है, अकॉर्डिंग टू रियल जो चीज कम होती है, असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो क्रेडिट में आती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपीज। अगर यही मशीन की वैल्यू कम हो रही होती तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हो जाता, बिल्डिंग हो रही होती तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाता। तो ये कंसेप्ट है आपका डेप्रिसिएशन का। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड दैट कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस एंड बिजनेस हैव टू बी पेड सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू ओनर ऑन दिस इन्वेस्टेड कैपिटल। यानी जो ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में, उस कैपिटल पर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को इंटरेस्ट पे करे। अगर यही अमाउंट लोन लिया होता तो लोन पे इंटरेस्ट पे करनी होती, ऐसी हमें ओनर को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करनी होगी, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यानी चार्ज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बाय ओनर, यानी इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। एग्जांपल है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 लाख, 1 लाख रुपीस की कैपिटल पर 10% की आपको इंटरेस्ट चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी पड़ेगी फर्म को, तो एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट में आते हैं, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल डिक्रीज मतलब क्रेडिट साइड में आती है। तो देखिए 1 लाख रुपीस की आपकी टोटल कैपिटल थी, 1 लाख रुपीस की कैपिटल पर आपको कितनी इंटरेस्ट चार्ज करनी है, 10%, और 10% के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आएगा, आपका अमाउंट आएगा 10,000 रुपीस। तो 10,000 आपको इंटरेस्ट चार्ज करनी है, तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल 10,000 रुपीस। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, जैसे जो अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर उस पर इंटरेस्ट उसको रिसीव होती है, ऐसे ही अगर वो कैश या कोई गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करता है तो बिजनेस को उसे इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी बिजनेस को ये अमाउंट रिसीव होगा, तो इसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं, यानी चार्ज इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो उसने अमाउंट विड्रॉ किया है उस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगी उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहेंगे।
जैसे कह रखा है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% ऑन ड्रॉइंग ऑफ 20,000, यानी किसी ओनर ने 20,000 रुपीज विदड्रॉ किए थे बिजनेस से, उस पर उससे फर्म को इंटरेस्ट लेनी है 5% के रेट से, तो बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव होगी तो इनकम, और इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल क्रेडिट साइड में आती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आएगी, और ड्रॉइंग फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट में आएंगे। तो देखिए 20,000 रुपीज की उसने ड्रॉइंग की थी, 20,000 रुपीज का अगर हम 5% निकालेंगे तो 5% की वैल्यू कितनी आती है, 5% आएगा 1,000 रुपीज। तो ड्रॉइंग डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 रुपीज, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। तो ये आपके कंसेप्ट थे जो आपने वीडियो में देखे, उसका ये क्विक रिव्यू था। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्रीज। व्हाट इज ओपनिंग एंट्रीज? ओपनिंग एंट्री मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्रीज। सपोज कीजिए हम 2019 ईयर में एंट्री कर रहे थे, 2019 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें एंट्री करनी है 2020 में। तो 2019 के जो भी बैलेंस होंगे, परचेज, सेल, असेट्स, उनको जो हम 2020 की बुक में ट्रांसफर करेंगे, उन ट्रांसफर एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। So the entries related to the transfer of previous year balances of the lessors into the new financial year, that is called opening entries. Concept क्या होता है इसका? All assets should be debited. जितनी भी assets हैं वो debit में आएंगी, and all liabilities, और जितनी भी आपकी liabilities हैं वो credit में आएंगी। अब according to double entry system, each debit side should be equal to credit side, यानी हर debit side आपकी match करनी चाहिए किससे, credit side से match करनी चाहिए। पर इसको करने के लिए आप difference निकालते हैं, अगर आपकी asset side की value ज्यादा है और liability side की value कम है तो difference को आप credit side में capital के नाम से record करते हैं, और अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है और असेट्स की वैल्यू कम है तो आप डिफरेंस को डेबिट साइड में गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जांपल ले लीजिए आप। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, इस टाइप की एंट्रीज में आपको कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे असेट्स और लाइबिलिटीज के। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, असेट्स के आपको बैलेंस क्या गिवन है, कैश आपके पास प्रीवियस ईयर में था 50,000 रुपीज, यानी आपके कैश की जो आपकी अवेलेबिलिटी थी वो 50,000 थी, बैंक में आपके अमाउंट डिपॉजिट था 40,000 रुपीज का, आज आपके पास स्टॉक अवेलेबल था 90,000 रुपीज का, यानी ये अनसोल्ड आइटम है जो भी आपके पास बिजनेस में है। इसके अलावा डेटर्स थे जिनसे आपको अमाउंट रिसीव होना था 20,000 रुपीज की, और मशीनरी आपके फर्म में थी अवेलेबल 20,000 रुपीज, ये असेट्स आपके पास अवेलेबल थी प्रीवियस ईयर में। कुछ आपके हाथ लाइबिलिटीज भी थी, लाइबिलिटीज क्या क्या थी, एक तो क्रेडिटर्स थे 50,000 जो आपको अमाउंट पे करना है, इसके अलावा आपने एक लोन ले रखा था, लोन था 1,00,000 रुपीज का जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये कुछ लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन थी। अब आपको इन दोनों इंफॉर्मेशन को ओपनिंग एंट्रीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप, फॉर्मेट आप जनरल एंट्री का जानते ही हैं, तो वही सारा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, मैंने बताया ऑल असेट्स शुड बी डेबिटेड, जितनी भी असेट्स हैं ये आपकी दोनों, ये आपको डेबिट में लिखनी है और लाइबिलिटी आपको क्रेडिट में लिखनी है। तो कौन कौन सी असेट्स हैं, कैश, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है कैश का 50,000, ये डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बैंक, ये भी असेट्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000, ये भी डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट असेट्स इज स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, और ये अमाउंट है 90,000। नेक्स्ट असेट्स इज डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है कितना 20,000।
नेक्स्ट असेट इज मशीनरी, तो मशीनरी भी आप देखेंगे डेबिट में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट है 20,000। क्लियर? अब ऑल लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, ये लाइबिलिटी जो आपकी दो है ये आपको क्रेडिट में लिखनी है, तो टू क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 50,000 क्रेडिट, और लोन टू लोन अकाउंट और ये 1,00,000 रुपीज क्रेडिट। अब देखिए दोनों साइड आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए, डेबिट का टोटल लगाइए आप 50, 40, 90 और 90, 180, 2,00,000, 2,20,000, यानी असेट्स आपकी कितनी हो रही है 2,20,000, और लाइबिलिटी 50 और 1,00,000 कितनी हो रही है, लाइबिलिटी हो रही है 1,50,000। तो मैंने बताया था इफ असेट साइड इज मोर देन द लाइबिलिटी साइड देन जो डिफरेंस है यानी 70,000 का वो क्रेडिट साइड में कैपिटल के नेम से लिखा जाएगा, तो यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो आप यहां पर कैपिटल के नेम से लिखेंगे कितना 70,000 रुपीज। क्लियर? तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए सेम क्वेश्चन है आपका और यहां पर आपको जो लोन की वैल्यू है वो 1,00,000 की जगह आपको दे रखी है 1,80,000 रुपीज, यानी लोन दे रखा है आपको 1,80,000 रुपीज का, तो उस केस में आप टू क्रेडिटर 50,000, लोन आप यहां पर डालेंगे 1,80,000। अब देखिए असेट का टोटल सेम एज इट इज वही आ रहा है 2,20,000, लाइबिलिटी का 180 और 50 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,30,000। अब लाइबिलिटी साइड आपकी ज्यादा है और असेट साइड आपकी कम है, कितनी 10,000 रुपीज, और मैंने बताया था कि इफ लाइबिलिटी साइड इज मोर देन द असेट साइड तो उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होता है डेबिट साइड में गुडविल के नेम से, तो जो आपकी डिफरेंस है वो आप यहां पर गुडविल के नेम से लिखेंगे डेबिट साइड में, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, टू क्रेडिटर अकाउंट और टू लोन। तो इस तरीके से हमारी ओपनिंग एंट्रीज कंप्लीट की जाएंगी। तो आज के कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में इन्फॉर्म किया। एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स विच दोज ट्रांजेक्शन विच हैव टू बी एडजस्टेड बिटवीन द मिड ऑफ टर्म लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, अनअर्न्ड एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रिसिएशन, एंड इन लास्ट मैंने आपको ओपनिंग एंट्रीज के बारे में बताया, मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर। तो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जर्नल एंट्री के जो सिंपल मेथड्स हैं उनकी ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका जीएसटी से रिलेटेड होगा, जो टैक्सेशन रिगार्डिंग आपके वीडियोज होते हैं। फिलहाल मैं आज के वीडियो में यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे किसी भी वे में गूगल क्लासरूम पर, व्हाट्सएप पर, किसी पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।